रोते विलखते कराहते। यह महिला राजपुर थाना क्षेत्र के बोकचुंबा गांव की है। इस महिला के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाने वाले उसके पति ने दहेज को लेकर मारपीट की और इस हालत में पहुंचा दिया। ग्रामीणों ने घरवाले को खबर की तो उसके घर वाले जब तक वहां पहुंचते लड़की की हालत देखकर लड़की को स्थानीय थाना राजपुर ले गए और वहाँ थाना प्रभारी ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया। झोटी धर के घिसिया के अंदर ले आए, दोनों तरफ गेट में ताला लगा के मारपीट किए, हम चिल्लाए, बाहर के लोग खड़े होके देख रहे थे और इसका पहले भी धमकी दे रहे थे हमको, 1,00,000 रुपये लाओ, 1 मोटरसाइकिल लाओ तो तुमको अच्छी जिंदगी काटेंगे वरना तुमको जान से मार देंगे। जिंदगी चाहती है तो अपना बाप घर से ये सामान लेकर आओ, नहीं तो हम खूबसूरत लड़की से शादी करेंगे। और शादी कर लिया था 2 साल पहले, हमको मालूम नहीं था, जब भी आता था बाहर से मारपीट करता था, हमेशा हमेशा हम अपना बाप के दरवाजे पे आके गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, हमारा बाप हमको डांट के भगा देते थे, जाओ तुम्हारा जिंदगी वही कटेगा, नहीं कर सकते। 2003 को शादी हुई है और इतना दिन के बाद जो है दहेज मांगना ये बेवकूफ़ी है, दहेज का कोई सवाल ही नहीं, मारपीट हम नहीं जानते हैं, लकड़ी देखे है छत पर। आप घर में नहीं थे? हम नीचे थे घर पर पूरा, लेकिन मोहल्ला जान रहा है? हाँ हम भी जान रहे हैं, इतना ये हुआ, जितना मोहल्ला जान रहा है उतना हम भी जान रहे हैं। क्या बताया कि 10:30 बजे आई, पैदल चल के आई थी कि कोई उसको उठा के लाया था? पैदल चल कर आई थी, पैदल चल के, लेकिन सुबह बरतम्मा में असगर मियाँ का बेटा जाजू से शादी दिया था, जो रीति रिवाज है मुस्लिम के तौर पर दान दहेज दिया था बार बार, गांव में भी पंचायत से बात किया गया, हम लोग भी गए, सुझाव दिया गया कि अब से ऐसा नहीं होगा, गांव वाले कहा कब से ऐसा नहीं होगा, फिर भी उसका वही धंधा था, काम करने जाता था बाहर, फिर आता था फिर पिटता था, है ना। तब सोचे कि अरे भर बार बार इस तरह कहा होता है, कहा ऐसे करते हैं, तो वो जो है गांव वाले बोले कब ऐसा नहीं होगा, बाप कहा कि अब ऐसा होने नहीं देंगे। इसके पहले जो है 20 तारीख के और लोग गया था, पंचायत वगैरह किया था, उसमें यही सब तय पाया था कि अब से ऐसा नहीं होगा।